साथ प्रिया सिंह और आप देख रहे हैं यंग इंडिया। किसी भी देश के विकास का दारोमदार युवाओं के कंधे पर ही होता है। युवा ही देश के भविष्य की दशा और दिशा तय करते हैं। साल 2019 में एक बार फिर से हमारे देश के इन्हीं युवाओं की अहम भूमिका होने वाली है। राजनीति में भी युवाओं को मौका देने की बात तो तमाम सियासी दल के नेता करते हैं, लेकिन क्या युवाओं को मौका मिल पाता है? हमारे देश के नौजवान अपनी आंखों में एक नए भारत का सपना देख रहे हैं। इन युवाओं के सामने बेहतर शिक्षा, रोजगार, देश के विकास को लेकर के मन में तमाम उम्मीदें और सपने पलते हैं। क्या 2019 में आने वाली सरकार इन युवाओं के भरोसे पर खरा उतर पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। राजनीति के बिसात पर ज्यादातर सियासी पार्टियां युवाओं को केवल वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। यही वजह है कि तमाम सियासी दल युवा वोटरों को लुभाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन आखिर में युवा चाहता क्या है? आज हम बाड़मेर के राजकीय कॉलेज के कैंपस से यंग इंडिया की आवाज आप तक पहुंचाएंगे। आम चुनाव को लेकर क्या है नौजवानों का मिजाज? हमने इनसे उनके सपने, उनकी उम्मीदों को लेकर के आज बात की। आइए दिखाते हैं आपको। देश में 2019 के चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। भले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी होना बाकी हो, लेकिन सियासी दलों ने चुनावी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। नेता एक बार फिर से सियासी मुद्दों को हवा देकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में जुटे हैं। सियासी दलों की इस बार सबसे ज्यादा नजर युवाओं पर है, क्योंकि किसी भी देश के विकास का दारोमदार युवाओं के कंधों पर ही होता है। युवा ही देश के विकास की रफ्तार और सियासत की धारा तय भी करते हैं। राजनीतिक दल भी इन्हीं युवाओं के दम पर सियासत की सीढ़ी तय करते हैं। चुनावी साल में एक बार फिर से मुद्दों को लेकर युवा मतदाताओं को प्रभावित करने में ये सियासी दल लगे हैं। लेकिन आखिर युवा वोटर नई सरकार को लेकर सोचता क्या है? क्या भारत के विकासशील से विकसित राष्ट्र बनने का सपना पूरा होगा? देश के लिए उनके मन में आखिर सपने कैसे पलते हैं? नई सरकार से उनकी उम्मीदें क्या होंगी? चुनावी साल में युवाओं की सियासी नब्ज टटोलने आज यंग इंडिया की टीम बाड़मेर के राजकीय कॉलेज कैंपस में युवाओं के बीच जा पहुंची। कर्नल सोनाराम बाड़मेर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं। बाड़मेर में पानी की समस्या विकराल है। पश्चिमी क्षेत्र में पानी की किल्लत की वजह से यहाँ के किसानों को भी भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। साथ ही युवाओं के सामने रोजगार मुहैया करवाना भी एक बड़ी चुनौती है। क्या वर्तमान सांसद क्षेत्र के युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतर पाए? हमने इसको लेकर भी युवाओं से सवाल किए। बाड़मेर के युवाओं ने बेबाकी के साथ अपनी बात रखी। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या कहता है बाड़मेर का यंग इंडिया। नमस्कार, इस समय हम बाड़मेर के राजकीय पीजी कॉलेज में हैं, जहां पे हम बाड़मेर के युवाओं की सोच और उनकी आने वाली 2019 में सरकार कैसी होगी, इन्हीं सभी मुद्दों पे करेंगे चर्चा। और जानते हैं इन्हीं युवाओं से किस तरीके से ये चाहते हैं, ये युवा आने वाले देश का भविष्य किस तरीके से तय करेंगे और 2019 में किस तरीके की सरकार होगी। तो इनसे हम पूछेंगे ये पांच सवाल। सवाल पहला, 2019 में कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार से आपकी क्या उम्मीद है? आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? अगर आपको एक दिन का पीएम बनाए तो आप क्या, आपका सांसद आपकी कसौटी पे खरा उतरा या नहीं? इन्हीं सभी सवालों को लेकर हम इन्हीं युवाओं के बीच में जाएंगे और जानेंगे आखिर क्या सोच है इनको, इनकी इस बारे में, और किस तरीके से ये सोचते हैं। 2019 में कैसी सरकार चाहते हैं? सर, 2019 में मैं एक ऐसी सशक्त सरकार चाहता हूं जिसमें जो सरकार सभी धर्मों को, जाति वर्गों को साथ लेकर चले तथा जो भी कार्य करवाए जड़ से करवाए, और जो भी जितना भी कार्य हो अन्य मुद्दों को छोड़ के शिक्षा के ऊपर ज्यादा बल दिया जाए और शिक्षा के विकास में ज्यादा कार्य करवाए जाए। ऐसी सरकार जो अपने लोगों पर विश्वास कर सके और एक ऐसे जो लंबे समय से जो मुद्दा चल रहा है उस पर अपनी राय रख सके और उस मुद्दे को समाप्त कर सके और लोगों पर नई एक योजना रख सके ताकि गरीब लोगों का विकास हो सके और हमारा देश विकसित हो सके। सर, वो सरकार हो जो सबसे पहले तो गरीबों पर ध्यान दे। मेरी सरकार से मेरी ये उम्मीद रहेगी कि जो वादे उन्होंने किए हैं चुनावी वक्त में उन्हें पूरा करे, इन गरीब तबके को आगे बढ़ाए, भारत को हमेशा विकासशील नहीं अब विकसित भी बनाए, फिर से सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश बनाए मेरे देश को।
2019 में मैं इस प्रकार की सरकार चाहूंगी जिसमें शोषित दलित एवं वंचित वर्गों को आगे बढ़ाया जाए और देश को ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य तथा देश के युवाओं का स्वास्थ्य और शिक्षित में इन खर्च किया जाए ताकि यदि युवा वर्ग मतलब प्रबल होगा तो देश का विकास भी आगे हो। सरकार से आपकी क्या उम्मीद है? अगर मैं इस शब्द का एक पद में उत्तर दूं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें देश में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की जरूरत है। जो आज कोई भी योजनाएं सरकारें लगाई जा रही है सरकारों द्वारा वो या तो किन्हीं भ्रष्ट नेताओं द्वारा या फिर भ्रष्ट अफसरों द्वारा जनता तक उस तरीके से नहीं पहुँच पा रही है जिस तरीके से उन्हें पहुँचना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त हो। सर, ऐसी सरकार चाहता हूं जो युवाओं के लिए काम करे और वादे जो भी करे और उसे पूरे करे और किसानों के हित में कार्य करे। ऐसी सरकार होनी चाहिए जो मतलब कई मुद्दे चल रहे हैं, राम मंदिर का चल रहा है, कई गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का चल रहा है, ये मुद्दे निपटारा होना चाहिए और युवाओं के लिए मतलब आगे बढ़े और ज्यादा वादे भी नहीं करे और जो करे उनको पूरा करे। हमारी सरकार ऐसी होनी चाहिए जो भ्रष्टाचार विरोधी हो और वो पूरे भारत को विकसित देश की ओर ले जाए। 2019 की सरकार में हमारी भ्रष्टाचार तो होना नहीं चाहिए, मतलब मुक्त हो जाए और बाकी मतलब शिक्षा की ओर ध्यान दे। और आपको क्या उम्मीद आने वाली 2019 की सरकार से, किस तरीके के जो ऐसे कार्य जो शिक्षा को और युवाओं को लेकर खास कर? आने वाली सरकार ऐसी हो जो धर्म और जाति के आधार पर लड़ने की बजाय एक दूसरे पर कमेंट करने की बजाय इस क्षेत्र के विकास पर ध्यान दे, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को डेवलप करे, जो इस टाइम टीचिंग फैकल्टी और जो नियम है वो पूरी तरह अभी तक ऐसे नहीं है कि यहाँ डेवलप कर सके हम खुद को, उनमें बदलाव करके यहाँ सारी व्यवस्थाओं को अच्छा करे। आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए कि मेरे वो जो युवा वर्ग है, जो भाई बहन है, जो उनको शिक्षा के स्तर उसका ऊंचा बढ़ाया जाए और शिक्षा की पद्धति को अच्छी बनाई जाए। सर, हम सशक्त हमारी सशक्त सरकार देखना चाहेंगे जो वादे करती है उसे पूर्ण करे। आप क्या चाहते हैं, किस तरीके की सरकार है? हम सशक्त मजबूत नहीं वाली सरकार चाहते हैं जो मुद्दे करते हैं उस मुद्दे को पूर्ण करने वाली सरकार। 2019 में और 2014 की सरकार में आपको क्या फर्क लगता है, किस तरीके का फर्क होना चाहिए जो 14 में नहीं हो पाया? जो लंबित मामले पड़े हैं उनकी अभी तक जांच हुई नहीं है और इस सरकार में धार्मिक और जातिगत मुद्दों को ज्यादा उछाला जा रहा है। मैं ये मांग रखना चाहूंगा कि जो जातिगत और धार्मिक राजनीति हो रही है उसको खत्म किया जाए और गौ माता वगैरह ऐसे मुद्दे हैं जो जिनको वास्तविकता है, जरूरत है, उनको सही किया जाए और बाकी कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पे गौर नहीं किया जा रहा है उन पर गौर किया जाए। किस तरीके की सरकार? ऐसी सरकार हो जो विकास करे ज्यादा से ज्यादा, शिक्षा पर भी ध्यान दे और हमारे देश का जो सूचकांक है आगे बढ़े। हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो वादे कम करे और काम पर ज्यादा ध्यान रखे, विश्व में सबसे अधिक विकसित हो, वैसा हम चाहते हैं। यही राय है, अब की बार फिर से मोदी सरकार होनी चाहिए क्योंकि ये सीमाएं क्षेत्र है उनमें बहुत ही अच्छा कार्य करवा रहे हैं और ये जो भारत और पाकिस्तान की सीमा है इसमें 86 किलोमीटर में ये LED लाइट लगाई है और उनके साथ साथ और भी लगाने के प्रयास कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। और होली, दीपावली और ईद ये सभी मोदी सैनिकों के साथ मना रहे हैं। बस यही राय है, अब की बार फिर से मोदी सरकार। आप बताएं, अगर आपको एक दिन के लिए देश का PM बने तो आप क्या करना चाहेंगे? सर, अगर एक दिन के लिए PM बनाया जाए तो हमारे क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति बहुत कमजोर है। अगर शिक्षा की स्थिति को बढ़ावा दिया जाए तो जनसंख्या नियंत्रण, भ्रष्टाचार, बाकी सारी समस्याएं खत्म हो जाए। सर, मुझे एक दिन के लिए PM बना दिया गया तो मैं सर्वप्रथम रिजर्वेशन व्यवस्था को खत्म करूंगा जिससे हमारा देश दिनों दिन जो आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रहा है और जिन तबकों को आरक्षण मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिलके अन्य तबकों को आरक्षण दिया जा रहा है, इस पर भी गौर विचार करूंगा। मैं एक दिन के लिए PM बन गई तो मैं चाहूंगी कि मैं एक ऐसी योजना लागू करूं जो गरीब लोगों के लिए ही हो, न कि अमीर लोगों के लिए, और हम अमीर और गरीब का फाउंड जो बीच का जो माप है ऐसे तय करेंगे कि पूरी देश में किसके पास ज्यादा अकाउंट में ज्यादा पैसे है या फिर उनकी स्थिति क्या है, उनकी पोस्ट क्या है, उनके इस हित के आधार पर हम लोग गरीब और अमीर का फासला करेंगे और गरीब लोगों के लिए योजना बनाएंगे। यदि मुझे एक दिन के लिए PM बना दिया जाए तो मैं जो आरक्षण का मुद्दा चल रहा है उस आरक्षण के मुद्दे का ऐसा विस्तार करे जो सभी को बराबर का हिस्सा मिल सके और शिक्षा की ऐसी योजना चलाई जाए जिसमें सभी ग्रामीण में जो बच्चे बस रहे हैं उनको शिक्षा का अभाव है, उनको शिक्षा का स्तर ऊंचा बढ़े। एक दिन का PM बनाया जाए तो सबसे पहले मेरा मुद्दा यही रहेगा कि ग्रामीण तबके में जो विद्यार्थी हैं, जो बेरोजगार है, ज्यादातर शिक्षा में पीछे रह रहे हैं, उनके लिए स्तर बढ़ाया जाए और
जो एजुकेशन का लेवल है उसको इंक्रीज किया जाए। यदि मुझे एक दिन के लिए पीएम बना दिया जाए तो सबसे पहले तो मैं सभी वर्गों को साथ लेकर चलूंगी, और दूसरा जो मेरा पॉइंट होगा वो होगा धर्मनिरपेक्ष पे, जिसमें मैं सब मतलब जैसे भारत में हमारी मस्जिद और मंदिर बहुत ज़्यादा बने हुए, मैं इन पर मतलब रिपेयरिंग का काम तो करवा दूंगी लेकिन इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश नहीं करूंगी, और देश को विश्व में एक भारत देश को विकासशील पद पर रखने की कोशिश करें। यदि मुझे एक दिन के लिए पीएम बना दिया जाए तो एक दिन में पीएम कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन मेरी कोशिश करूँगी कि ये जो गरीब लोगों के और अमीर लोगों के बीच में जो खाई बढ़ रही है और इनसे लेके और ये हमारे राजस्थान में खासकर गुर्जर प्रतिहार का जो आरक्षण पर मुद्दा है और वे सड़कों को तोड़ फोड़ रहे हैं, इन मुद्दों को लेके उनकी कोशिश करके एक दिन का अगर मैं पीएम बनूं तो सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था पर जोर दूंगा। भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था का जो व्यवसायीकरण किया गया है उसमें सुधार के गुंजाइश है, और किसानों के लिए बहुत अच्छी योजनाएं बनाकर उनको उनका हक दिलाने का प्रयास करूंगा। मुझे अगर एक दिन का पीएम बना दिया जाता है तो मैं सबसे पहले जो भ्रष्टाचार के जितने भी मामले लंबित पड़े हैं उनके निस्तारण की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मेरी जो प्राथमिकता रहेगी वो बालिकाओं और बेटियों के प्रति रहेगी। रेप केस के जितने भी मामले अभी पेंडिंग पड़े हैं उनको खत्म करूंगा, और इसके अलावा भ्रष्टाचार के अलावा जो मैंने दो मुद्दे बताए इसके अलावा जो अन्य मुद्दे हैं उन पे काम करूंगा। मैं अगर एक दिन के लिए पीएम बन जाऊं तो मैं सबसे पहले भ्रष्टाचार मुक्त देश चाहूंगा, और उसके बाद में जो शिक्षा में कठिनाई आ रही है और जो लोग मतलब घर गांव से दूर अपने शहर में स्कूल नहीं जा पा रहे उनके लिए सुविधाएं की जाएगी, और जो मतलब पानी आगे असुविधाएं हैं जो उनको सुविधाएं मैं पूर्ण करूंगा। अगर मैं एक दिन का प्रधानमंत्री बनता हूं तो मैं सबसे पहले तो ये करूंगा कि मैं पाकिस्तान के साथ समझौता करूंगा, जिसकी वजह से हमारे शहीद जो हमारे जवान जो है वो शहीद होते हैं, चाहे किसी भी तरीके से वो समझौता करूंगा। सांसद महोदय इस 5 साल के कार्यकाल में खड़े उतरे या नहीं? 5 साल के कार्यक्रम में हमारे सांसद महोदय खड़े उतरे। क्या वादे थे, क्या जो युवाओं को लेकर क्या था? युवाओं के लिए पश्चिमी राजस्थान में उसने बहुत काम किया। आगे संसद का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, जो हमारे क्षेत्रीय समस्याएं हैं उनको संसद में बखूबी से उठाया, और जहां तक संभव है हमारे पीएम है जो मिनिस्टर काउंसलिंग है उन पर समस्याओं पर गहनता से विश्लेषण और मूल्यांकन भी किया, और काफी हद तक उसका समस्या का समाधान भी होगा। यदि आगे एनडीए सरकार होगी तो पूर्ण रूप से जो हमारे सांसद महोदय ने जो मुद्दे उठाए उनका पूर्ण रूप से समाधान भी किया जाएगा। आपके सांसद महोदय आपकी वादों पे आपकी उम्मीदों पे खरे उतरे? हमारे सांसद महोदय अपने वादे किए उन पे काफी हद तक खरे उतरे हैं, जो आप देख सकते हो एनसीसी हमारे देखो यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया सांसद जी ने, और पश्चिमी इलाके में बहुत सहयोग किया सांसद साहब ने। हाँ, हमारे सांसद ने जो कुछ हमने चाहा वो काम करवाया। पश्चिमी इलाकों में पानी की सारी कुछ कमियां थी वो दूर की, और रेगिस्तान में इलाके में बहुत कुछ शिक्षा का प्रभाव अच्छा देखने को मिला, और उन्होंने अनेक प्रकार के बजट को भी प्रस्तावित किया संसद में जाकर। आप 5 साल के संसदीय कार्यकाल से संतुष्ट? पूरी तरह तो नहीं, क्योंकि जो कार्य उन्होंने जो पूरे वादे किए थे वो सारे तो वो पूरे नहीं कर पाए। हाँ, उन्होंने कुछ वादे जरूर पूरे किए। इस पश्चिमी राजस्थान में जहाँ पानी की बहुत कमी थी उन्हें पूरा किया, नहरों से पानी की व्यवस्था करवाई, पर बहुत सी व्यवस्था इस शहर में भी है जो अब तक पूरी नहीं हुई, जैसे कि सीवरेज सिस्टम। आज भी यहाँ नालियों का पानी सड़कों पर है, चलना तक दुभर हो गया है, सड़कें टूटी हुई है, ऐसे बहुत से विकास कार्य जो अब तक नहीं हुए हैं। चलिए, वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से इन्हीं सवालों के साथ इन्हीं युवाओं के साथ बातचीत जारी रखेंगे। कर्ज माफी सर नहीं होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो ग्रामीण इलाकों में मतलब सर्वे करके होनी चाहिए, नहीं तो कर्ज माफी करते हैं ना तो लोग ज्यादा कर्ज लेते हैं। शिक्षा का मतलब सिर्फ और सिर्फ नौकरी पाना हो गया है। जब तक हमारे समाज में शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी पाना है तब तक हमारे समाज में सिर्फ नौकर पैदा होंगे, मालिक नहीं। और विभिन्न मुद्दों पर बेकार की चर्चाएं करते, जो मुद्दे काम के हो सरकार के वही करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और आइए जानते हैं इन्हीं युवाओं से 5 सवालों के बारे में, किस तरीके से युवा सोचते हैं और इनका आखिर इन बातों को लेके क्या कहना है। पहला सवाल, किसी भी तरह की कर्ज माफी कितनी जायज है? दूसरा सवाल, आरक्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं? तीसरा सवाल, देश में शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव की जरूरत? इस बार कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा? पांचवा सवाल,
हर पांच साल में सरकार बदलने की परिपाटी को आप किस तरीके से मानते हैं? इन्हीं पांच सवालों को लेकर हम युवाओं के बीच में जाएंगे और उन्हीं से जानेंगे कि उनको इन सवालों को लेकर या इन मुद्दों को लेकर उनकी क्या राय है और वो क्या सोचते हैं इन सब बातों को लेकर। आप बताएं, किसी भी तरीके की कर्ज माफी को लेकर आप क्या सोचते हैं? सर, कर्ज माफी तो वैसे होनी नहीं चाहिए। कर्ज माफी की जगह पश्चिमी क्षेत्र में पानी की जो कमियां हैं उनको पूरी किया जाए और कई सालों से रिफाइनरी का जो वोट राजनीति का मुद्दा है, सिर्फ रिफाइनरी बनाई नहीं जा रही। कर्ज माफी के बारे में मेरी ये राय है कि अगर किसानों का व्यवहारिक रूप से नुकसान हुआ है तो उन्हें कर्ज माफी देनी चाहिए, अन्यथा कर्ज माफी की कोई जरूरत नहीं है। कर्ज माफी सिर्फ मुद्दों से और सिर्फ बातों से नहीं होती है। अगर किसानों का वास्तविक रूप से नुकसान हुआ है तो ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे करें, अगर अकाल पड़ा है तो उन्हें कर्ज माफी निश्चित रूप से दी जानी चाहिए। कर्ज माफी सर नहीं होनी चाहिए और होनी चाहिए तो ग्रामीण इलाकों में मतलब सर्वे करके होनी चाहिए। नहीं तो कर्ज माफी करते हैं ना तो लोग ज्यादा कर्ज लेते हैं और वो सोचते हैं कि मेरा भी कर्ज माफ हो जाएगा, ऐसी कर्ज माफी नहीं होनी चाहिए। कर्ज माफी होनी चाहिए, लेकिन जो कर्ज माफी हो रही है वो अमीरों पर हो रही है, ना कि गरीबों पर। इसका सीधा असर अमीरों पर हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। कर्ज माफी किसानों के लिए बहुत ही अच्छा, एक मतलब किसान कर्ज माफी के बाद एक न्यू से स्टार्ट कर सकता है आगे बढ़ने के लिए, ये तो अच्छी बात है। फिर भी किसानों की स्थिति में सुधार किया जाए, जैसे कि उन्हें अच्छी उर्वरक दे के और बीजों का भाव आगे बढ़ा के उचित तौर पर रखे, और इस प्रकार किसानों का योगदान कर्ज माफी मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है। सर, जो ये कर्ज माफी है वो काफी हद तक तो सही है, लेकिन सरकार को ऐसी योजनाएं लागू करनी चाहिए जिससे किसानों के ऊपर कर्ज हो ही नहीं, उनकी जो उत्पन्न होता है उसका मूल्य उसको बढ़िया मिलना चाहिए, तो कर्ज होगा ही नहीं, तो कर्ज माफी की तो जरूरत ही नहीं रही। कर्ज माफी है जो किसानों के ऊपर बहुत कर्जा है, ये उसी थे कर्ज माफी करना। सर, मेरे अनुसार कर्ज माफी नहीं होनी चाहिए। कर्ज माफी किसानों को कर्ज के निर्भर कर देता है और कर्ज माफी नहीं होगा तो किसान आत्मनिर्भर होगा। सर, किसानों का कर्ज माफी व्यवस्था लगातार होनी चाहिए, किसानों का कर्ज माफ होना भी चाहिए। किसान कर्ज माफ नहीं होने के कारण लगातार आत्महत्या करते आ रहे हैं और अलग अलग सरकारें बनती आती रही हैं। कोई किसानों का लुभावने वादे बनाते हैं, लेकिन अभी सरकार है वो किसानों का कर्ज माफ करने की बात कर रही है और अलग सरकार आती रहती है, किसानों का कर्ज माफ करती नहीं है। किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए। आरक्षण होना चाहिए। वैसे गरीब तबकों के लोगों के लिए आरक्षण तो सही है, बाकी गरीबों की तुलना में अमीर इनका ज्यादा यूज कर रहा है। अमीर अपना लेवल गरीब के बराबर कर देता है, लेकिन वो तो अमीर है और गरीब के लेवल में अपना वो आरक्षण यूज कर रहा है। आरक्षण होना चाहिए। सर, आरक्षण के बारे में मेरा मानना है कि जहां भारत सरकार लोगों को, गरीब तबकों को आरक्षण दे रही है, उसकी बजाय उनके लिए एक संस्था कम्युनिटी बना दी जाए, जिस संस्था के अंतर्गत उन्हें खाना पीना रहना सोना व्यवस्था आदि पढ़ाई की जो भी जड़ से तने तक व्यवस्था करवाई जाए और उसके जरिए कॉम्पिटिशन एग्जाम में उन्हें साथ में बिठाया जाए, बल्कि कॉम्पिटिशन एग्जाम में किसी भी प्रकार का आरक्षण न हो और सभी को साथ में लेकर चलना। सर, आरक्षण की बात करें तो आरक्षण मिलना चाहिए, पर आरक्षण जाति और धर्म के आधार पर नहीं, आरक्षण मिलना चाहिए व्यक्ति की आय के आधार पर, उसके अमीर और गरीब के दायरे के आधार पर। जहां व्यक्ति अमीर है लेकिन वो सिर्फ उस कास्ट में आता है, इसलिए उसे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, और खासकर शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण को हटा देना चाहिए। जो बच्चा मेहनत करके बनता है वो बाद में आरक्षण की वजह से पीछे रहता है, तो वो डिप्रेशन में आकर वही मरता है आखिर। मैं सर बोलना चाहती हूँ आरक्षण पे, ये आरक्षण दिया जा रहा है जो शिक्षा में जो आरक्षण दिया जा रहा है वो इसको खत्म कर दिया जाए, और ये आरक्षण होता है जो गरीब लोगों के लिए बिल्कुल भी काम का नहीं है, ओनली फॉर ये होता है तो अमीर लोगों के काम आता है बस। मैं आरक्षण के बारे में बताना चाहता हूँ कि आरक्षण अमीर लोग फायदा उठा रहे हैं, ना कि गरीब लोग, क्योंकि जिस घर में IAS और RS बन जाते हैं तो उसी वापस उनको भी आरक्षण मिलता है, ऐसे नहीं वो मतलब दूसरा नहीं उठा पाते हैं, इसलिए गरीब लोगों को ज्यादा से ज्यादा आरक्षण देना चाहिए। आरक्षण होना चाहिए, सरकार भी इस पर अच्छा निर्णय लेके ये आरक्षण देती है, लेकिन आरक्षण का जो आधार है वो सामाजिक नहीं होकर आर्थिक आधार पर होना चाहिए, तभी जाके भारत विकसित होगा, अन्यथा नहीं होगा। सर, मैं आरक्षण का विरोधी तो नहीं हूँ, लेकिन जो आरक्षण का वर्तमान पैमाना है ना, उससे मैं थोड़ा असहमत हूँ, क्योंकि वर्तमान में जैसे OBC आरक्षण में क्रिमिनल लेयर सीमा तय है, लेकिन जो SC और ST का आरक्षण है ना, उसमें क्रिमिनल लेयर सीमा तय नहीं है, तो इस आरक्षण का फायदा कुछ चंद लोग ही उठा पाते हैं, इसलिए मैं इस आरक्षण व्यवस्था से नाराज हूँ। देश की शिक्षा नीति को लेकर क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरीके का बदलाव होना चाहिए? देश की शिक्षा नीति में देश के शिक्षा का बढ़ावा देना से ज्यादा से ज्यादा। देश की शिक्षा व्यवस्था पे
जो ग्रामीण लोग हैं उन ग्रामीणों के बच्चों को शिक्षा बहुत ही कम मिल रही है और ग्रामीण में स्कूल है या कॉलेज नहीं होने की वजह से वो शहर में नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनकी शिक्षा का लेवल नीचा ही रह जाता है। और उनकी शिक्षा के लेवल को बढ़ाने के लिए ग्रामीणों में कॉलेज है, स्कूल है वगैरह, शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। देश की शिक्षा अन्य भारत के अलावा अन्य देशों की तुलना में देखा जाए तो यहाँ पे रटिफिकेशन बहुत ज्यादा है। अन्य देशों में प्रैक्टिकल के आधार पर शिक्षाएं दी जाती है, हमारे देश में भी इस प्रकार की शिक्षा लागू हो। बड़ी दुख की बात है कि आज हमारे समाज में शिक्षा का मतलब सिर्फ और सिर्फ नौकरी पाना हो गया है। जब तक हमारे समाज में शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी पाना है तब तक हमारे समाज में सिर्फ नौकर पैदा होंगे, मालिक नहीं। क्योंकि आज समाज को, आज देश को सिर्फ सरकारी नौकरों की जरूरत नहीं है बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले युवाओं की जरूरत है। आज हमें विद्यालयों में ये बताया जाता है कि आपको टीचर कैसे बनते हैं, उन्हें ये बताना चाहिए कि साहब चौक बनाने वालों की भी देश को जरूरत है और ब्लैक बोर्ड बनाने वालों की भी देश को जरूरत है। यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि शिक्षा व्यवस्था में न सिर्फ एजुकेशन में वो रटाफिकेशन पद्धति हो बल्कि इंटरप्रेन्योरशिप भी उतना मतलब फोकस दिया जाए ताकि बच्चों को बिजनेस के लिए बच्चे आगे बढ़ सके। अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, कॉलेजों में, स्कूलों में अच्छे टीचर लगाए, जो अभी भर्ती लंबी चल रही है उसको जल्दी से जल्दी निस्तारण किया जाए। इस बार कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा? वर्तमान समय में एक सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो राम मंदिर और कश्मीर विवाद का है। मैं राम मंदिर अयोध्या विवाद कहना चाहूंगा। अयोध्या विवाद में मैं ये कहना चाहूंगा, या तो यूपी में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बना लो, या तो राम मंदिर बना लो या मस्जिद बना लो, या फिर दोनों ही मत बनाओ, वहाँ बड़ा कोई पर्यटन स्थल बना लो या बड़ी कोई धर्मशाला बना लो, ताकि ये मुद्दा खत्म होना चाहिए। ये सबसे बड़ी जड़ है जो झगड़े की है। मुद्दा राम मंदिर या मस्जिद नहीं होनी चाहिए बल्कि होनी चाहिए युवाओं के लिए नौकरी। हर एक घर में एक या दो युवा है, अगर एक उनमें से उनको नौकरी मिल जाती है तो कहीं ना कहीं पूरे घर की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मनी और पैसा, जिसकी वजह से काफी सारी चीजें दिक्कत आती है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और सरकार को सबसे पहले युवाओं के रोजगार के ऊपर ध्यान देना चाहिए और जिसकी जो कौशल है उसके प्रति देना चाहिए। और एक बात मैं और बोलना चाहूंगा कि कहते हैं कि हार्डवर्क सबसे ज्यादा, जो हार्डवर्क करता है उसको सबसे ज्यादा मतलब रिजल्ट मिलता है, तो सबसे ज्यादा हार्डवर्क तो मजदूर करते हैं। वो सुबह से शाम तक मतलब तगारी उठाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, पर उनकी सिर्फ 400 रुपये हाजिरी होती है या 350 रुपये हाजिरी होती है, तो आप समझिए कि उनका घर कैसे चलता होगा, ठीक है। जबकि एक जो टीचर है उसकी सैलरी 35,000 रुपये कम से कम होती है और उसकी मजदूर की 350 रुपये पर डे की, तो वो अपना घर कैसे चलाएगा? तो सबसे पहले मजदूरों के लिए भी और जो गरीब तबके हैं उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। पहले तो आरक्षण को लेकर जो दंगे हो रहे हैं उन्हें खत्म किया जाए। आपको क्या लगता है, क्या मुद्दा होना चाहिए? शिक्षा में विकास और बाकी जो मुद्दे चल रहे हैं देश में उनको समाप्त किया जाए। आरक्षण को खत्म कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को खुद पर विश्वास होना चाहिए कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। बिना आरक्षण के भी हम लोग वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो आरक्षण होने पर भी हम लोग करते हैं। विभिन्न मुद्दों पर बेकार की चर्चाएं करते हैं, जो मुद्दे काम के वो सरकार के वही करें। जैसे राम मंदिर पर बिना फालतू का कोई मुद्दा ही नहीं है, राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इसे युवाओं को क्या फायदा होगा? युवाओं के रोजगार की संबंधित मुद्दे उठाने चाहिए, जो सरकार ऐसा कोई कार्य करे जिससे देश का विकास होता हो, न कि देश का विकास बाधित हो। ये कहना चाहता हूँ, जो बीजेपी और मोदी सरकार कह रही राम मंदिर का, ये राम मंदिर मुद्दे ऐसे मुद्दे नहीं बनने चाहिए। सरकार का उद्देश्य विकास पर होना चाहिए। ये राम मंदिर ऐसे ही बाउंड्री बना करके हिंदू खतरे में, ऐसा कोई हिंदू खतरे में नहीं है, इनको मुद्दा बनाकर वोट लेने की आदत पड़ गई है। हर 5 साल में सरकार बदलने की बड़ी पार्टी को आप किस तरीके से मानते? जो सरकारें चेंज होती है उनमें सिर्फ जनता को भ्रमित करके सरकारें बदल जाती है, लेकिन सरकारें बदलने के बाद सिर्फ ये काम करती है कि योजनाओं का नाम अपनी पार्टी के पूर्व के राजनेताओं के नाम बदलना, सिर्फ वही योजनाओं के नाम ही बदलती है, बाकी कुछ बदलाव नहीं होता है। युवाओं के लिए राजनीतिक पार्टियां तो कई जुमले ला रही है, जैसे रोजगार भत्ता दे रही है और भी कई तरीके से, लेकिन मैं एक ही निवेदन सभी पार्टियों से करना चाहूंगा, चाहे किसी की भी सरकार बने, बदलनी चाहिए वैसे सरकारें 5 साल में, ठीक है। और मैं ये कहना चाहूंगा मैं मुख्य रूप से कि जो रोजगारी भत्ता दे रहे हैं उसकी बदौलत आप नौकरियां निकालिए और नौकरियों को क्लियर कीजिए, उसको हाई कोर्ट में वगैरह में मत अटकाइए, सीधा उसको क्लियर कीजिए। ये हर 5 साल में सरकार बदलनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल बदलनी चाहिए, क्योंकि अगर हर 5 साल में अगर रेगुलर ही वही सरकार है तो हम लोग एक आदि हो जाएंगे उसी। अगर मैं उसे गुलामी कहूंगी कि हम लोग जो जैसा वो कह रहे हैं वैसा हम करेंगे, तो हर 5 साल में सरकार बदलनी चाहिए ताकि हम अपने मुद्दों को रख सकें।
वैसे नेता लोग होते हैं ना, वो अपने वादे किए हुए वादे और लोगों को दिखाई हुई उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाते हैं। इसीलिए लोग चाहते हैं कि अब की बार मतलब ये सरकार लिया इन लोगों को चुना जाए तो क्या क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। इसी के माध्यम से वो अपनी सरकारें बदलते रहते हैं। लेकिन मैं यही चाहती हूँ, सरकार से उम्मीद करती हूँ, जो आप वादे करते हैं और जो लोगों को उम्मीदें दिखाते हैं उन पर खरा उतरिए। और जो ये सरकार की परिपाटी बदलने की, तो ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो सरकार है वो योजनाओं को क्रियान्वयन करती है तो दूसरी सरकार आती है जो, तो वो उन योजनाओं को हटा करके दूसरी योजना लेके आ जाती है, तो वो योजना पूरी तरह से क्रियान्वयन नहीं हो पाती। जिस जो सरकार 5 साल है उसके बाद में रहनी चाहिए, क्योंकि एक सरकार जो योजना को क्रियान्वयन करते वो पूर्ण तरह से 3 सालों में सक्षम नहीं हो पाती, 5 सालों में वो कार्य नहीं कर पाती, तो अगले उनको 5 साल मिल जाए इसलिए उन्हें पूरी पूरी कार्य करना चाहिए।